आठों योग सिद्धियों को प्राप्त करने वाले चिरंजीव हनुमान जी ने अपना ब्रह्म ज्ञान और अनुभव बांटने के लिए कुछ विशेष आदिवासी शिष्य चुने। उन्होंने वचन दिया था कि वे हर 41 वर्ष पश्चात अपने शिष्यों की नई पीढ़ियों से मिलने आएंगे और उन्हें स्वयं ज्ञान प्रदान करेंगे। इसी शाश्वत वचन को निभाते हुए वे इस बार भी आए। घने जंगलों से आच्छादित एक पर्वत पर उन्होंने अपने शिष्यों को प्राचीन ज्ञान नवीन ढंग से प्रदान किया। एक दिव्य लीला के अंतर्गत यह ज्ञान जंगल के बाहर कली हनुवाणी के रूप में पहुंच रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदरवुड स्टोरीज में। दोस्तों, आज जिस पुस्तक का सारांश मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसका नाम है कली हनुवाणी, जो पहले अंग्रेजी भाषा में इमोर्टल टॉक्स भाग एक, जो 2017 में प्रकाशित हुई, और पुनः इसका दूसरा भाग 2019 में इमोर्टल टॉक्स भाग दो नाम से प्रकाशित किया गया। पुस्तक की सफलता को देखते हुए इसे 2020 में भारतीय जनमानस की भाषा हिंदी में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक का सभी कॉपीराइट 2017 से 2020 तक के शून्य नाम से रजिस्टर्ड है। अब ये शून्य कौन है, इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं। इसको हिंदी में सीर बुक्स लिमिटेड ने पब्लिश किया। इस पुस्तक में प्रस्तावना को जोड़कर कुल 13 भाग हैं, जिसमें एक प्रस्तावना और शेष 12 अध्याय हैं, जिनके नाम क्रमशः पहला माताओं से जना, दूसरा जलकन्या, तीसरा अवर्णीय का वर्णन, चौथा समय के तार, पांचवां मृत्यु को हराना, छठवां अभिशप्त आत्माएं, सातवां सहस्त्र जीवन, आठवां लिंग कुंजी, नवां अपूर्ण, दसवां अदृश्य चार, ग्यारहवां जागृति विन्यास और बारहवां निरंतरता है। आज इस भाग के बारे में हम बात करेंगे पुस्तक की प्रस्तावना का और उसे सारांशित करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आपको ले चलते हैं पुस्तक की प्रस्तावना की ओर। एक घने जंगल में एक मोटे से वृक्ष के तने की आड़ में दो व्यक्ति बैठे हैं। वो छिपकर लकड़ी चुनते हुए कुछ आदिवासियों को देख रहे हैं। काफ़ी समय हो जाने पर एक व्यक्ति, जिसका नाम या ये कहें कि उसका संबोधन स्वामी है, दूसरे व्यक्ति को कहता है, यहाँ अब और बैठना संभवतः मूर्खता होगी हनुमान दास जी, मुझे इन आदिवासियों में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं लगती, हम बेवजह ही मान बैठे हैं कि ये जन चिरंजीवी हनुमान जी को देख सकते हैं। हनुमान दास ने भी जमुआई लेते हुए हाँ में सिर हिला दिया, पर अभी भी हनुमान दास के मन का एक कोना उन आदिवासियों के प्रति उत्सुक था। तो पुनः स्वामी जी के चेहरे पर पड़ी उनकी नज़र उन्हें स्मृतियों की गलियों में ले गई। 5 साल पहले तक हनुमान दास ना होकर कनाडा के टोरंटो शहर के एक सभ्य व्यक्ति थे, जिनके जीवन में अपनी कई परेशानियां थीं। इनमें उनके पुत्र का ड्रग्स लेने से होने वाला मानसिक विकार भी था। उनका पुत्र इस मलिन विषय में इतना उलझ गया था कि उसे अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़ा। वे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके वापस लौट रहे थे और अपनी कार की खिड़की से बाहर झांक रहे थे, तभी उन्हें साथ में चलती हुई कार के ऊपर एक विशाल बालों वाला वानर कार के ठीक ऊपर उड़ता दिखाई पड़ा। उन्होंने चिल्लाकर अपने भाई से कहा कि जो उस वक्त कार ड्राइव कर रहा था, कि देखो एक मायावी वानर। उनके भाई ने जब बाहर नजर मारी तो वहां सिर्फ बराबर में चलती हुई कारें दिखाई दी। उन्हें लगा उनका भाई अपने पुत्र के निधन के सदमे में है। उन्होंने हनुमान दास जी को कहा, वहां कोई नहीं है, आपको अब आराम की आवश्यकता है। हनुमान दास ने पुनः पुष्टि के लिए नजर डाली तो सच में वहां कोई नहीं था, अपितु कार में एक दिव्य पुरुष थे जो लंबी घनी दाढ़ी के साथ विराजमान थे। हनुमान दास घर आ गए और उस पुरुष के बारे में पता करके उनसे मिलने पहुंचे। वही पुरुष हनुमान दास के गुरु हुए। उन्होंने हनुमान दास को हनुमान दास नाम दिया और उस वक्त की घटना के बारे में भी बताया जो उस दिन हनुमान दास ने देखी थी और जो सच थी। अपने पुत्र की मृत्यु के क्षोभ में जब हनुमान दास घर आ रहे थे तो एक समय को उनका मन पूर्णतः रिक्त था। उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी, सर्वथा रिक्त। इस कारण उन्होंने वो आकृति गुरुदेव की गाड़ी के ऊपर देखी। वो आकृति जो उड़ रही थी निश्चित ही हिंदू के पवित्र शक्तिशाली देवता हनुमान जी की थी, पर वो आकृति उन्हें इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि उनका मन तत्क्षण प्रभाव से वापस दुनिया के राग लपेटों से घिर गया था। ये ठीक ऐसा था जैसा कि महाभारत के काल में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज, जिसे सभी केवल ध्वज के रूप में ही देख पा रहे थे, अपितु 5 पांडव और श्री कृष्ण ही केवल उस ध्वज के साथ
साक्षात हनुमान जी को देख सकते थे। गुरुदेव ने कहा कि ये रोना धोना, ये पीड़ा, ये दुर्बलता आपकी आत्मा का नहीं, अभी तो आपके मन का है। आप एक शक्तिशाली आत्मा के स्वामी हैं जिसका बंधन स्वयं ही हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। शरीर ठीक किसी मशीन की तरह है जो उसके अंदर उपस्थित आत्मा को संसार की माया, दुख, सुख, दर्द, शांति का अनुभव मात्र करा देता है। परंतु आप और आपकी तरह कई आत्माओं का ये हाल है कि वो अज्ञानता की चादर ओढ़े सो रही हैं और सिर्फ सांसारिक माया में उलझ कर रह गई हैं। हनुमान दास अब रिक्त हो गए थे। उन्हें ना कुछ समझ आ रहा था, ना कुछ सुझाई दे रहा था। उन्होंने आत्मशुद्धि का प्रण लिया और गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर भारत आ गए। कई वर्षों तक कई लोगों से मिले, गुणी साधुओं से, पाखंडी बाबाओं से, सुदूर हिमालय की कंदराओं में निवास करते नागाओं से। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान पा लेना चाहते थे। वे लोगों से मिलते, बातें करते, ना कि कोई जिज्ञासा दिखाते। वो सिर्फ और सिर्फ सुनना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन उन्हें पता चला कि एक आदिवासी समूह के बारे में, जो मातंग कहलाते थे, और उनके बारे में कथाएं प्रचलित थीं कि वे साक्षात चिरंजीव हनुमान जी के शिष्य थे। हनुमान दास ने अपने दो साथियों को साथ लिया और इस विषय की खोज में निकल पड़े, जिसमें एक थे स्वामी जी और एक ब्रह्मचारी जी, जिनको उस इलाके के आदिवासियों से संपर्क साधने में प्रवीणता हासिल थी। ब्रह्मचारी ने मातंगों के मुखिया बाबा से मिलने का प्रयास किया, परंतु उनके चिड़चिड़े स्वभाव के कारण बात न बनी। तो तीनों ने स्वयं ही इन आदिवासियों के स्वभाव का अध्ययन करने की ठानी और उसी के चलते आज वो उस पेड़ के तनों के पीछे छिपकर बैठे हैं। हनुमान दास अपनी स्मृतियों से निकलकर वापस आ गए। उन्होंने देखा कि आदिवासी महिलाओं में एक दुबली पतली लड़की अचानक से हवा में हाथ पैर चलाने लगी और औंधे मुंह गिर पड़ी। ये कुछ खास गतिविधि नहीं थी, देखने से मिर्गी का दौरा मालूम देता था। हनुमान दास ने लगातार ये दृश्य देखना चालू रखा। उन्हें लगा कि इस लड़की के इर्द गिर्द कुछ प्रकाशमय आकृतियां स्पंदन करती दिख रही हैं। फिर वो लड़की ने अपने शरीर को हवा में कुछ ऊपर उठाया और साष्टांग प्रणाम की स्थिति में आ गई। फिर वो उठी और दोनों हाथों को जोड़कर कुछ बुदबुदाने लगी। हालांकि ये दृश्य केवल हनुमान दास ही अनुभव कर पा रहे थे, शेष साथियों को वो लड़की सिर्फ मुंह बांधे, सिर्फ हाथ जोड़े ही नजर आ रही थी। प्रक्रिया समाप्त हुई, सभी महिलाएं वहां से चलती बनी। तीनों ने भी अपना झोला कंधे पर डाला और चर्चा करते हुए चल दिए। शायद यहां आना व्यर्थ रहा, कुछ हासिल नहीं हुआ, बस कुछ सांकेतिक चिन्ह जिन्हें वो और भी कई जगह देख चुके थे। वो किसी अनुष्ठान के अंग मात्र हो सकते हैं, पर हनुमान दास जी की बुद्धि तर्क कुतर्कों से ऊपर उठ चुकी थी। कुछ दिनों में उन्होंने मातंगों के इस गूढ़ चिन्हों का अर्थ जान लिया, जिसका अर्थ था चिरंजीवी हनुमान हर 41 वर्षों में अपने शिष्य मातंगों को ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस पुस्तक की प्रस्तावना समाप्त हुई। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे कली हनुवाणी की प्रथम अध्याय के सारांश के साथ। आशा है आपको इस पुस्तक का सारांश मेरी भाषा में सरल और मनोरंजक लग रहा होगा। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप मेरे साथ हर रोचक भाग का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।